अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी आदतें बताऊंगी जो कि कामयाब और ज़हीन लोग अपनाते हैं। सबसे पहले ये कि वो बहुत गहराई से अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। वो इसी परेशानी में रहते हैं कि वो कुछ आने वाले कल के लिए कर गुजरें, ताकि वो अपना टाइम वेस्ट ना करें और किसी मुकाम पर पहुंच सकें। ये लोग खुद को मसलसल इम्प्रूव करने की कोशिश में लगे रहते हैं, ताकि उनकी इम्प्रूवमेंट उनकी कामयाबी का सबब बन सके। इन्हें जो चीज़ पसंद होती है या चाहिए होती है, वो इस चीज़ का तसव्वुर हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा कॉर्नर मौजूद होता है जिसमें हम जैसा सोचते हैं वैसा होना शुरू हो जाता है। और ये अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते कि कोई इनके लिए कुछ करे जिससे इन्हें खुशी महसूस होती हो। अपनी ज़िंदगी में गोल बनाते रहते हैं और इन्हें पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि अगर हमारी लाइफ में गोल हो तो हम किसी मुकाम पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए कामयाब होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने लाइफ में गोल्स को ऐड करें और उनको अचीव करने के लिए कोशिश करते रहें। ऐसे लोग अपने मसाइल खुद पकड़ते हैं और इनको हल करने के लिए सलूशन ढूंढते हैं, क्योंकि इनका मानना होता है कि प्रॉब्लम पर फोकस करने की बजाय इनके सलूशन पर फोकस करें, ताकि उनका टाइम बच सके और वो कामयाब हो सके। ऐसे लोग सिर्फ अपनी मर्ज़ी करते हैं, जो उनको सही लगता है सिर्फ वही करते हैं, दूसरों की हाँ में हाँ बिल्कुल भी नहीं मिलाते। ज़हीन लोग रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया पढ़ते हैं, ताकि उनकी स्किल्स इम्प्रूव होती रहें और वो किसी मुकाम पर पहुंच सकें। ऐसे लोग सिर्फ उन लोगों को ढूंढते हैं और उन लोगों को वक्त देते हैं जो उनके काम आते हैं और जो ज़हीन होते हैं। वो फालतू और जाहिल लोगों को नज़रअंदाज करते हैं, उन पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ऐसे लोग कोशिश करते हैं कि वो हर काम दूसरों से बेहतर करें, ताकि दूसरों से बेहतर नज़र आ सकें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।